Assalamu alaikum everyone. Today our video class is on EVS. We were studying lesson 7 safety rules. In safety rules, I explain you the safety rules at home. Is it clear? What are the safety rules at home? I explained you. Then we came some safety rules, that is, do not play with the electrical switches, electrical things. Do not take medicine by yourself without the parents' advice. Do not touch sharp objects like needles, knife, blade. Is it clear? Then coming to safety rules in school. What were the safety rules in school? You should not sharp your pencil with knife or blade. Never run with your school bag. What happens when you run with your wearing your school bag? You may fall. Okay. Then what you have to do, never jump on the benches or desks inside the classroom. And never keep things on the way. Raste mein koi cheez nahi rakhna, koi aake pair mein aake gir jati. So these were the safety rules in school. And then we also studied safety rules in playground. What are the safety rules in playground? When you are in the playground, you should don't try to touch the fencing which is having a barbed wire or थॉनी प्लांट, कांटेदार प्लांट अगर है तो उसको, थॉनी प्लांट है तो उसको हाथ मत लगाइए. एंड ट्राई टू प्ले अ सेफ गेम. जो गेम सेफ है, मारने का लड़ने का गेम नहीं खेलना है. सेफ गेम यू हैव टू प्ले. एंड व्हेन यू आर ऑन द स्लाइड और द स्विंग, डोंट ट्राई टू पुश एनीवन. ओके, प्ले इन अ फ्रेंडली वे. सो वी स्टडीड सेफ्टी रूल्स एट होम, इन स्कूल, इन प्लेग्राउंड. And today we are going to study some safety rules. Safety rules on the road. R-O-A-D. When you are on the road, what you have to do? Safety rules are on road. When you are on the road. So how do road accidents kaise hote hain? Jab aap fast driving, jo bhi driving kar raha vehicles, either wo that is फोर व्हीलर और थ्री व्हीलर और टू व्हीलर, हूएवर इज ड्राइविंग, इफ इज ड्राइविंग वेरी फास्ट, केयरलेसली ड्राइव करे तो क्या होता? एक्सीडेंट होता. या नहीं तो इफ यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, आप गाने सुनते हुए या इधर उधर बाहर देखे के रोड क्रॉस कर रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, तो एक्सीडेंट विल अकर. एंड वन मोर थिंग पीपल, व्हेन यू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल फॉलो नहीं करे, ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करे, एक्सीडेंट विल आकर, एक्सीडेंट होते हैं. सो इन ऑर्डर टू बी सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट, वी हैव टू फॉलो द सेफ्टी रूल्स. वॉट आर द सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड? बी अलर्ट एंड केयरफुल. वॉट यू हैव टू डू? यू हैव टू बी अलर्ट, अलर्ट एंड कोसी की दुनिया में आप चले जा रहे हैं वैसा नहीं, अलर्ट रहना है आपको, एक्टिव अलर्ट रहना है कि आप रोड पे चल रहे हैं, ताकि व्हीकल इधर तैयारी उधर तैयारी आपको मालूम रहता. एंड केयरफुल, केयरफुल भी रहना है. दिस इज द फर्स्ट थिंग रूल, सेफ्टी रूल यू हैव टू फॉलो व्हेन यू आर ऑन द रोड. एंड वन मोर थिंग, वॉक ओनली ऑन द फुटपाथ. सपोज इफ यू आर वॉकिंग, यू हैव टू वॉक ओनली ऑन फुटपाथ, नॉट फुड. फूड खाना होता है, फुट पाथ, डोंट गेट कंफ्यूज फूड एंड फुट. फुटपाथ क्या है? आई टेल यू. सपोज थिंक दिस इज द रोड, ये आपकी रोड है. अब रोड के आइदर साइड, बहुत जगह आप देखिए रोड के आइदर साइड एक थोड़ा हिस्सा उठा हुआ रहता है. या दिस इज अवर फुटपाथ. ये फुटपाथ किसके लिए है? पेडिस्ट्रियंस. पेडिस्ट्रियंस यानी जो वॉकिंग कर रहे हैं, जो लोग वॉकिंग करते हुए जा रहे हैं, वो लोग के लिए फुटपाथ है. व्हीकल्स के लिए रोड है. ओके, जो लोग व्हीकल ड्राइविंग कर रहे हैं, वो लोग के लिए रोड है, वो लोग रोड पे से जाना. इट इज ओनली फॉर द पीपल दोज हु आर ऑन वॉक ऑन फुट. जो पैदल चल रहे हैं, वो लोग के लिए फुटपाथ है, रोड ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड. सपोज अगर से फुटपाथ नहीं है, तो भी आप जब वॉकिंग कर रहे हैं, रोड के आइदर साइड पे वॉकिंग करना, बीच रोड पे वॉकिंग करना नहीं चाहिए. ओके, सो बी अलर्ट एंड केयरफुल ऑन द रोड, वॉक ओनली ऑन द फुटपाथ. ट्राई टू सी दैट, वॉक ओनली ऑन द फुटपाथ.
If there is no footpath, walk on the right side of the road facing the traffic. You have to walk on the right side of the road. See, when you are walking, which is your right side, you see. So what you have to do? You have to follow. Now I am standing here. This is my right side. So when you are walking, I have to walk on my right side of the road facing the traffic. The traffic should face me. So whichever traffic is coming, vehicle is coming, I can see clearly. Now you should not play on the road. Third point, do not play on the road. Will you play on the road? Is it good? No, it is very dangerous to play on the road. And do not go near the dogs and other stray animals. Do not go near street dogs. स्ट्रीट डॉग जो रहते हैं उसके पास जाना, उसको पत्थर लेके मारना. नॉट ओनली स्ट्रीट डॉग, ऑल्सो अदर एनिमल्स. अदर नॉट ओनली स्ट्रीट डॉग, ऑल्सो अदर एनिमल्स. इफ वेन यू आर ऑन द रोड, इफ यू सी एनी एनिमल और अ डॉग, डोंट ट्राई टू टीज इट और टेक अ स्टोन एंड बीट इट. इट मे हार्म यू. सो it is better you don't go near the animals, dogs or whatever animal it is. These are about the safety rules which you have to follow on the road, and try to follow the traffic signals. You know, we are the traffic signals, we are having how many traffic? Mainly they will be showing us three traffic signals, traffic lights. We are having three traffic lights, that is red, then yellow, green. So when you are on the road, you have to check this red. The traffic light is red. What you have to do? You have to stop. If the traffic light is yellow, that is you can say be ready. If the traffic is light is green, go. You can go when it is shown green. Green बताते जब भी जाने का है तो आपको, ठीक है? These are the safety rules on the road. You have to follow. One thing is you have to follow the traffic rules, traffic signals. You have to be alert and careful. Walk only on footpath. If you are walking, only on the footpath. Do not play on the road. Don't try to play on the road and walk. Do not go near the street dogs and also other animals, as it can harm you. And I showed you the traffic signals before. Suppose you are crossing the road. Okay, now I am talking about pedestrians, the people, those who are walking on the road, not driving any vehicle. Jo road pe chal rahe hain, logo kaisa chalna hai, careful rehna hai. Aur jab aapko cross karna hai, then we have to cross the road. This is the road. When we have to cross the road, on the road we are having, what we are having? A zebra crossing. Zebra crossing kaise? Lines. Ek white, black. White, black. Ye hai zebra crossing. Have you seen a zebra? Zebra pe kaise rehte hain? Strip lines. Waisi yahan road pe rehte. Isliye usko zebra bolte. Zebra ke sar ke rehte. Black and white. So this is called as zebra. Suppose if you are walking on the road, aap road par chal rahe hain. So what you have to do before crossing? Aapko road cross karna hai, to kya karna hai? Look to the right, then to your left, and once again to your right. Pehle right pe dekhiye, left pe dekhiye, phir ek bar right pe dekhe, tabhi aapko road cross karna hai. Make sure that no vehicle is coming close. और करते हुए देखना क्या है कि आपके करीब में कोई व्हीकल, आप जब रोड क्रॉस कर रहे हैं, राइट लेफ्ट राइट देखे बाद कोई व्हीकल करीब में नहीं है, तभी आपको क्रॉस करना है रोड. अंडरस्टूड? मेक श्योर दैट नो व्हीकल इज कमिंग क्लोज टू यू. इफ द रोड इज क्लियर, क्रॉस द रोड. अगर रोड क्लियर नहीं है, कोई व्हीकल आपके करीब नहीं है, बहुत दूर है, तो आप ऐसा से क्रॉस कर ले सकते.
ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग ओनली। जब तभी भी आपको रोड क्रॉस करना है तो देखिए जेब्रा क्रॉसिंग जिधर जहाँ है वहीं से क्रॉस करना है आपको। ओके, वेन एवर यू वॉन्ट टू क्रॉस द रोड सी दैट वेर एवर जेब्रा क्रॉसिंग लाइन्स आर मार्क्ड ऑन द रोड यू हैव टू क्रॉस द रोड ऑन द फ्रॉम दैट जेब्रा क्रॉसिंग ओनली बिकॉज इट इज सेफ टू क्रॉस द रोड। They are traffic light for the people to use the zebra crossing. They are called as pedestrian light. जैसे traffic light vehicles के लिए है, pedestrians यानी जो चल रहे हैं उन लोगों के लिए भी थोड़े जगह zebra crossing पर भी traffic lights है। Only two lights है, that is red and green. ये pedestrians के लिए pedestrian light बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Not traffic light but pedestrian light. वो कौन-कौन होते हैं? रेड एंड ग्रीन। अगर पेडेस्ट्रियन लाइट पे रेड बतला तो आपको क्रॉस करना नहीं है, यानी इट इज डेंजरस, यू हैव टू नॉट क्रॉस। जब आपको ग्रीन सिग्नल दे रहा था तभी आप रोड क्रॉस करना है। थोड़े प्लेसेस पे नियर ऑन द रोड नियर द जेब्रा क्रॉसिंग वी विल बी हैविंग दिस पेडेस्ट्रियन लाइट बोलते हैं। उसमें दो ही रहते हैं रेड और ग्रीन। जब रेड बतला रहा तो आप नहीं करना है, जब ग्रीन बतला रहा है तो तभी रोड क्रॉस करना है। थोड़े जगह पे है वो, ज्यादा जगह पे नहीं मिलता आपको पेडेस्ट्रियन लाइट। डू नॉट क्रॉस द रोड व्हेन द पेडेस्ट्रियन लाइट इज रेड। अगर से पेडेस्ट्रियन लाइट रेड बतला रही तो आपको क्रॉस करना नहीं है, यू हैव टू नॉट क्रॉस द रोड। क्रॉस द रोड व्हेन द पेडेस्ट्रियन लाइट इज ग्रीन। जब ग्रीन बतला रहा तभी आपको रोड क्रॉस करना है। क्रॉस द रोड व्हेन द पेडेस्ट्रियन लाइट इज ग्रीन। रेड लाइट इंडिकेट स्टॉप and green line indicates go. So this is about the safety rules to be followed on the road. Is it clear? We studied safety rules at home, safety rules in school, safety rules in playground and safety rules on the ground. Four things we have studied. In the next class we'll study few more safety rules and then we'll end this chapter. Hope you all have understood today's lesson, children. Safety rules on road, how you have to walk on the road, how you have to cross near the zebra crossing. This all we have studied. You should not, go near the animals which are on the road, either street dog or whichever animal it is. It can harm you. Okay, do not try to play on the road. Walk only on the footpath. Be alert and careful. These are some of the safety rules you have to follow when you are on the road. Hope you all have understood the lesson. Thank you.